बिहार के मुंगेर जिला की पुलिस रविवार को गांडे थाना पहुंची और गांडे थाना पुलिस के सहयोग से संग्रामपुर थाना क्षेत्र से भगाकर लाई गई विवाहिता प्रियंका कुमारी समेत आरोपी युवक अल्ताफ अंसारी को गांडे थाना क्षेत्र के घाटकुल गांव से गिरफ्तार कर गांडे थाना ले आई, जहां से बिहार पुलिस आरोपी युवक और बरामद विवाहिता को विधि संवत प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपने साथ लेकर चली गई। बताया गया कि विवाहिता दो बच्चों की मां है और दोनों बच्चों सहित घर से भागी थी, जो संग्रामपुर थाना क्षेत्र के लौआगढ़ी गांव की रहने वाली है। बताया गया कि आरोपी युवक एक पेशेवर साइबर अपराधी रहा है। पूर्व में भी उसे छत्तीसगढ़ पुलिस 1,10,000 रुपए की किसी व्यक्ति के खाते से अवैध निकासी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी युवक 3 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। बताया गया कि जेल से छूटकर आने के बाद युवक संग्रामपुर जाकर डेकोरेटर कंपनी में मजदूर का काम करने की आड़ में साइबर अपराध को अंजाम देता रहा। बताया गया कि महिला की मुलाकात आरोपी युवक से इसी बीच हुई और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और आखिरकार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। युवती 22 जुलाई को अपने दो बच्चों को लेकर प्रेमी युवक अल्ताफ अंसारी के संग घर से भाग निकली। विवाहिता के पति पप्पू मंडल ने अपने स्तर से खोजबीन किया पर पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया और पप्पू मंडल ने 23 जुलाई को अपनी पत्नी की गुमशुदगी को लेकर संग्रामपुर थाने में आवेदन दिया। पति के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने सनहा दर्ज किया। बताया गया कि प्रियंका की बैंक खाते में उसके पति पप्पू मंडल का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था और 23 जुलाई से प्रियंका के खाते में पैसों का अवैध ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया था, जिसका हर मैसेज उसके पति पप्पू मंडल के मोबाइल में आ रहा था, जिसकी सूचना पप्पू मंडल ने स्थानीय थाने को दे दी और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर संग्रामपुर पुलिस रविवार को पति पप्पू मंडल अविवाहिता का भाई के साथ गांडे थाना पहुंची और गांडे पुलिस के सहयोग से आरोपी युवक अल्ताफ अंसारी विवाहिता और दोनों बच्चों को गांडे थाना अंतर्गत घाटकुल गांव से बरामद कर लिया।